This is Abdullah Bin Kamran. Hello. Do I have to? This ये random tangent है, 2 मिनट पहले important है. नहीं नहीं ये. Assalamualaikum. This is Abdullah Bin Kamran, a final year medical student. And I am Abdullah Bin Kamran, a final year medical student. And I am Fatima Tareen, a final year medical student, also at Rawalpindi Medical University. We're making this video because we've noticed a lot of kids, they don't take advantage of their ward rotations. And so we've decided to make a video about 10 tips that you can use to make the most out of your ward rotations. Do you want to say Number 1. Do you want to say anything about the intro? No, I like the intro. Right. Right. Okay, so we know that wards usually start in 3rd year se, and then you have wards in 3rd year, 4th year and 5th year. 3rd year mein ye hota hai ki major medicine or surgery ke wards hote hain, and then 4th year mein you have ENT and I major wards, and then Gynae and Obs. Wo major nahi hote hain na us tarah. But they are wards and अच्छा और final year में जो है वो 4 main चीज़ें होती हैं surgery, gynae, medicine और peds इनके wards होते हैं major बाकी minor wards होते हैं अच्छा so we're gonna just give a general outlook मतलब 10 tips हैं that you can use in any ward और फिर उस ward में आप excel करेंगे okay so the first tip is show up do you want to say anything yeah Most of the time यहाँ पे बच्चे wards होते हैं and they bunk wards and I'm not gonna name any names but एक बच्चा है उसका ना anyways तो basically होता ही है कि पहले दिन 3rd year में खास तौर पे बच्चे बहुत शौक से wards आते हैं पहले दिन because you know something new exciting होती है and then वहाँ पे उनको कोई पढ़ाता नहीं है कोई उनको मिलता नहीं है कि जानी किसके पास आधे टाइम तो वार्ड ही नहीं मिल रहा होता and then आप जाओ भी तो कोई पीजी मिल भी जाए वो पूछेगा अच्छा आप 3rd year से वार्ड में आने की क्या ज़रूरत है हम तो कभी वार्ड ही नहीं गए 3rd year में Unless and until कोई अच्छा वार्ड है जिस तरह HFH में MU1 है माई प्राइड एंड जॉय उससे बेहतर वार्ड नहीं है सर्जरी में BBH का SC2 दे ज़बरदस्ती बच्चों को पकड़ के वो पढ़ाते हैं बट दे टॉट अस एवरीथिंग वी नीड टू इवन एट पीजी लेवल जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो MU1 में अपने कोर्स में जो जो भी उनके पास हमारी रोटेशन थी उसमें सब कुछ A to Z सिखाया और उससे बेहतर नहीं सिखाया और उनकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी है एंड आई वांट टू थैंक Clearly he's not the guy for advice क्योंकि advice वो लोग देते हैं जो गलतियाँ कर चुके होते हैं No, I'm saying कि try to get into MU1, HFH या फिर SU2, BBH, medicine or surgery. What I've heard कि if you have connections with like CRGR या कोई DME वगैरह तो you can ask कि कहाँ आपकी rotation लगाएं तो try के इन वाले wards में अपनी rotations लगाएं लेकिन मेरा जो ward था it was मेरा था BBH में MU1 या MU2 था दोनों में से कोई एक था but it was really मतलब हम लोगों का क्लासरूम तक नहीं था तो we didn't know where to go or where to put our bags या किस टीचर के पास जाएं हर कोई इतना बिजी होता था वहाँ पे और मतलब कुछ समझ नहीं आती थी तो हमने वो मतलब हमें सिखाया था लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना हो सकता था ओके सो हाँ हम पहली टिप के बारे में बात कर रहे थे कि शो अप तो डिस्पाइट ऑल दीज ऑड्स कि आपको वहाँ पे कोई मुंह नहीं लगाएगा और बस ऐसा लगेगा कि आने की ज़रूरत ही क्या थी डू नॉट लिसन टू दैम क्योंकि यही लोग जो है ना जब वार्ड टेस्ट की बारी आएगी तो ये लोग आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपने आज तक सोचे भी नहीं होंगे और ऐसी नज़रें फेरेंगे जैसे इन्होंने तो बोला ही नहीं था कि आने की ज़रूरत नहीं है तो डू नॉट टेक एडवाइस इनकी भी और अगर कोई सीनियर भी कहता है कि वार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है मिस कराओ डू नॉट लिसन टू दैम तो और कुछ कहना चाहते हैं 3rd year में स्पेशली 3rd year में बहुत लाजमी है वार्ड ज्वाइन करना 3rd year में जो जिस तरह मैं पहले बता रहा था 3rd year में जो सीख लेता है ना वो उसको फिर 4th year पूरी 4th year ऑल ऑफ फाइनल ईयर कोई मसला नहीं होता है और इसी वजह से आई शोड अप पूरे एक भी दिन मैंने वार्ड में मिस नहीं किया और उसके बाद पूरे 4th year और पूरी फाइनल ईयर मैंने वार्ड्स में शो ऑफ करने के अलावा कुछ नहीं किया क्योंकि 3rd year वालों ने दोनों वार्ड्स ने इतना कुछ सिखा दिया हुआ था और 4th year में बाकी वार्ड्स को मुझे आइडिया हुआ है कि इतना कुछ नहीं सिखाया हुआ था और मैं बेसिक बातें भी बताता था तो इट वुड लुक लाइक मैं पता नहीं क्या क्या करके आया हूँ इवन दो MU1 और SU2 वालों ने जिस तरह मैंने बताया उन्होंने सारा एक चीज़ पढ़ाई हुई थी और रेपिटेशन के साथ पढ़ाई है कि प्रैक्टिस हो गई हुई थी इस क्लिप को मैं फास्ट कर अच्छा तो हाँ, मतलब अगर जो आप थर्ड ईयर में सही तरह पढ़ लो ना तो वही आपको वही चीज़ें लाइक वही हिस्ट्री है, वही एग्ज़ाम है, वही बार बार आएगा। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, HO, PG, सारी ज़िंदगी वही चीज़ें होंगी, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इफ़ यू जस्ट डू इट वंस इंसानों की तरह थर्ड ईयर में तो मतलब इट विल हेल्प यू थ्रू आउट। मतलब मैंने भी सिर्फ थर्ड ईयर में वार्ड्स को लाइक एक्चुअल में वो सारी मेहनत कर ली थी एंड नाउ मतलब बिल्कुल ब्रीज थ्रू होता है बिकॉज बेसिक्स आपको पता होती हैं तो यू कैन फोकस ऑन हायर थिंग्स फाइनली। अच्छा, व्हाट एल्स डू वी हैव टू से? टिप नंबर 2। ओके, टिप नंबर 2 है प्रिटेंड। सो दिस रूल इज़ के आपने प्रिटेंड करना है जिधर भी आपकी रोटेशन है कि आपने उधर ही उसी स्पेशलिटी में जाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सर्जरी में रोटेशन हो रही है तो यू हैव टू प्रिटेंड के बस सारी ज़िंदगी आपकी डेडिकेटेड है और आपने आगे जाके सर्जन ही बनना है। अगर आपकी इवन रेडियोलॉजी में माइनर रोटेशन चल रही है तो आपने बस समझना है कि हाँ मैंने रेडियोलॉजिस्ट ही बनना है और बस उस तरह कमिट करना है। और इसका फ़ायदा ये है, एक तो ऑब्वियसली इट्स फन टू प्रिटेंड और उसका फ़ायदा ये कि आप एक इतने ज़्यादा फॉल्स आइडियाज़ होते हैं हर रोटेशन के हिसाब से। जिस तरह अब मुझे जब मैं हमारी जब रेडियोलॉजी की फॉर एग्जांपल हमने देखी थी तो मुझे पहले लगता था कि वो सिर्फ मतलब लैब टेक्स होते हैं रेडियोलॉजिस्ट, उनकी कोई स्पेशल वो नहीं होती, स्किल वगैरह इन्वॉल्व नहीं है रेडियोलॉजी में। लेकिन उसके बाद जब एक्चुअल में जाके देखा, उनसे मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट लिया है तो रेडियोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्या कहना चाहिए टेंजिबल या फिर मैथमेटिकल फील्ड है इस लिहाज से कि उनकी बेस पे जो है वो हर डॉक्टर का डायग्नोसिस डिपेंड कर रहा है, उनकी बेस पे हर सर्जन के मैनेजमेंट डिपेंड कर रही है और उनका पिन बिल्कुल पिन पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना और उनका बिल्कुल एक्यूरेट होना जो है उसके लिए बहुत स्किल चाहिए। और वो रेडियोलॉजी इस वजह से तबाही है इस मामले में कि टेंजेंट है रेडियोलॉजी का, लेकिन हर फील्ड में जो है वो इस तरह की हर फील्ड में इस तरह की कुछ ना कुछ बात नजर आ जाएगी। एक तो फॉल्स पहले जो बिलीव्स होते हैं उस फील्ड के बारे में वो क्लियर होंगे और फिर अक्सर जो है वो हिडन इंटरेस्ट उस फील्ड में होता है और पता ही नहीं होता और वो फिर एकदम से जो है वो चीज़ इंट्रीग करती है, इंटरेस्ट करती है। जैसा न्यूरोसर्जरी में मेरा कभी ओके अच्छा ये एक पॉइंट मैंने भी एलैबोरेट करना था कि हम अक्सर वी से अबाउट एवरीथिंग कि नहीं इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं आर्ट्स मतलब मैंने कभी की नहीं, मुझे शौक़ नहीं है। तो इसमें एक ये चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ कभी की ही नहीं है तो हाउ डू यू नो दैट यू डोंट लाइक इट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता ही नहीं है कि रेडियोलॉजी है क्या, अगर मैं कभी रेडियोलॉजी के वार्ड में ही नहीं गई तो मुझे कैसे पता है कि मैंने रेडियोलॉजिस्ट बनना नहीं है, आई डोंट इवन नो कि वो करते क्या हैं। सेम विद और क्या एग्जांपल्स हैं, मतलब पैथोलॉजी, समथिंग दैट रियली पिक्ड माई इंटरेस्ट वाज पैथो में वो लोग एक्चुअल लाइक डाइसेक्टेड जो भी सर्जरी रूम से आती हैं चीज़ें लाइक पूरा लिवर आ रहा है तो उनको स्लाइसेस में कट करना और फिर उनकी स्लाइड्स बनाना, इट्स रियली कूल। मतलब वो और वो इनर वर्किंग्स आपको सिर्फ तभी नज़र आती हैं। मतलब ये अब सारी ज़िंदगी तो नहीं आपको मौका मिलेगा, हर कोई तो नहीं आपको पैथो लैब में घुसने देगा। तो थर्ड ईयर एंड बाकी भी सारों में जो माइनर वार्ड्स हैं देयर रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू सी के इनर वर्किंग्स बाकी डिपार्टमेंट्स के किस तरह होते हैं। दिस इवन इफ़ आपने एक्चुअल में सर्जन ही बनना है दिस स्टिल हेल्प्स यू, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा मैं जो पैथो को रिपोर्ट लिख के भेज रहा हूँ उसमें पैथो वालों को क्या क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर इंटर डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ख़राब होती है और उसकी वजह से पेशेंट केयर भी इफ़ेक्ट होती है। मतलब अक्सर रेडियोलॉजी में लोग भेज देते हैं, वो आपने ना रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना होता है तो उसमें आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री बतानी होती है ताकि जब रेडियोलॉजिस्ट चेक करे इमेज तो वो कोरिलेट कर सके थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर आप अच्छी हिस्ट्री लिखोगे उसमें तो उससे फिर रेडियोलॉजिस्ट को भी हेल्प होगी कि सही डायग्नोसिस तक वो पहुंच सके। जैसे वो सर मौरफ कहते हैं कि क्या कहते हैं सर मौरफ, द आई डज नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। आई डोंट थिंक सर मौरफ ने ये पता पेन किया है। नहीं, डू यू रिमेंबर जब हमारी न्यूरोसर्जरी की वो रोटेशन थी तो उसमें उन्होंने बोला था, मुझे नहीं पता सर मौरफ अभी होते हैं लेकिन उन्होंने एक दफ़ा एक बात की थी एंड वो केस था वो ये भी टेंजेंट पे जा रहे हैं लेकिन न्यूरोसर्जरी में वो केस था उसका वो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस था कि क्या था। दिस इज द पार्ट वेयर वी गो पीप। नहीं, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस था जो वो न्यूरोसर्जरी में उन्होंने केस बहुत इंटरेस्टेड होके बताया था कि ये इतना रेयर केस आया है हमारे पास। और हाँ, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस वो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस था, उसको एड्स था असल में पेशेंट को। हाँ तो वो उसकी वजह से। तो अब देखें ऑब्वियसली अगर रेडियोलॉजिस्ट के पास वो इमेज बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के जाएगा तो वो तो नहीं इसको इंटरप्रेट कर सकेगा ना। तो जब तक आप अच्छी वो नहीं लिख के देंगे तो मतलब कंक्लूजन ये है कि माइनर वार्ड्स को भी आपने इसलिए सीरियस नहीं फन लेना है और इंटरेस्ट लेना है वो हाँ। और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हाँ, आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नर्ड बन के सीरियस होके हाँ उस मैंने जाना नहीं, कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। हैव फन, एंजॉय, बी क्यूरियस, क्योंकि दिस इज द टाइम यू कैन गेट अवे विद बीइंग क्यूरियस एंड हैविंग फन। आई थिंक प्रिटेंड से बेहतर टिप थी कि जस्ट बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। नहीं जस्ट बट हाँ बट ऑल्सो यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू आर गोना बी इन दिस स्पेशलिटी। मतलब अक्सर जब आप रेडियो और पैथो इन सब में जाके इस तरह के डेप्थ वाले सवाल पूछोगे ना तो एवरीवन्स गोना बी लाइक क्या बनना है आपने आगे जाके, अच्छा पैथो में जाना है, टेल देम कि आपने आगे पैथो में ही जाना है। और वाइवा भी जब वो ले रहे हो ना, टेल देम हाँ मैंने तो सर्जन ही बनना है। मेडिसिन वालों को जाके कहना हाँ मैंने तो मेडिसिन में ही जाना है। जस्ट बिलीव इट। इतना अच्छा प्रिटेंड करना कि आप बिलीव करने लग जाओ। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? नंबर 3, एक्सप्लोर योर वार्ड। इसमें हम दोनों के अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। इन माय ओपिनियन, मेरे लिए ख़ास तौर पे आई एम अ वेरी एंक्शियस पर्सन, तो आई रियली नीड टू बी एट होम एट अ प्लेस बिफोर आई स्टार्ट यू नो ओपनिंग अप टू इट। तो मैं, मेरे लिए होता है कि मैं वार्ड में जाऊंगी, पहले मैं देखूंगी अच्छा वार्ड कहाँ से कहाँ तक स्पेन कर रहा है, वॉशरूम किधर है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट रूम कहाँ है, जानमाज कहाँ पड़ी हुई है, और अच्छा ये वाला वार्ड है, ये HDU है, यहाँ पे किस किस्म के पेशेंट्स होते हैं, ये जनरल वार्ड है, मेल है, फीमेल है, HOD का रूम कहाँ है, इस तरह की। फॉर मी एक्सप्लोर योर वार्ड मीन्स के कितने पेशेंट्स कहाँ पे हैं और क्या वार्ड में क्या चीज़ किधर है, ताकि एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो। पर्सपेक्टिव डिफरेंट तो नहीं है, बट आई डोंट डिसएग्री कि ये करना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वार्ड को इस तरह तो एक्सप्लोर कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। लेकिन उससे एक्सप्लोर करने का ये मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट फ्लो किस तरह है, कि मतलब पेशेंट सबसे पहले कहाँ पे आता है। फॉर एग्जांपल एक रिसेप्शन एरिया होगा और उसके बाद जो है वो जिस तरह ER में है, ER का वार्ड होगा तो उसमें सबसे पहले रिसेप्शन पे आएगा, रिसेप्शन के बाद ट्रायज रूम में जाएगा, ट्रायज के बाद OPD में वो भेजेंगे उनको, एक स्पेसिफिक OPD है। अगर रिटेन करना है तो कहाँ रखेंगे, सर्जिकल बे होगी या मेडिकल बे होगी। और ये आ रहा है हमारा ऑडियो आ रहा है, ऊपर से नीचे से बाइक्स गुजर रही हैं, ऊपर से एरोप्लेन वो इसमें आ जाएगा। कोई ड्रिल कर रहे हैं, हम अभी NTB में बैठे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था बीप एंड दिस इज वेरी कट राइट बैक इन। जैसा कि मैं कह रहा था नंबर 3 एक्सप्लोर योर वार्ड को एक्सप्लेन कर रहे थे अब्दुल्ला बिन कामरान, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम आर। दिस इज ऑल गोना बी कट, इट्स नो यूज। मैं जैसा कि कह रहा था कि आपको एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया होना चाहिए कि कौन किस चीज़ को क्या हैंडल कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर अक्सर पेशेंट्स आपके पास आएंगे, उनके पास एक पर्ची होगी कि ये एक्सरे है, मैं किसके पास जाऊँ, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए पहले से। अगर आपको ये आइडिया है तो आप एक तो पेशेंट की हेल्प तो कर सकते हैं, कि आपका अपना भी फ़ायदा है कि आप खुद जो है ख्वारी से बच जाएंगे। अभी बहुत ख्वार होना है आगे पीछे हर जगह कि पेशेंट की फाइल, मैम आपको क्लास में कहती है कि अच्छा इसका CT स्कैन ले आएं इस बंदे से या इस बंदे से, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से लाना है। आपको वैसे खुद भी आपके अभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके लिए कहाँ से क्या डाटा मिलने हैं, ये जो है ये आपको तभी पता चल सकेगा जब आपको वार्ड का पता होगा कि कौन से वार्ड में कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये वार्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के कौन क्या चीज़ हैंडल कर रहा है, और पेशेंट का फ्लो कि कौन सा पेशेंट कहाँ जाता है। अगर कोई हर्निया का पेशेंट है तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा, मेरी हर्निया पर रिसर्च फॉर एग्जांपल अगर है तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, तो मुझे कौन सा डाटा मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ तब मुझे पता चल सकती हैं जब मुझे पता होगा कि वार्ड की एक तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और पेशेंट का फ्लो क्या है, कि पेशेंट कौन सा पेशेंट कहाँ रखते हैं। ठीक है आई थिंक यू। अच्छा, इसके बोलते बोलते मुझे एक और टिप आई है कि हमें मतलब नंबर 3.5 जस्ट डिस्कवर्ड, ये कि रिसर्च, दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप रिसर्च करो। मतलब अब अक्सर मतलब इतने ज़्यादा बच्चे आएंगे आपके पास, मतलब हमारे पास आते हैं कि रिसर्च कहाँ से शुरू करें, रिसर्च क्या होता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप वार्ड्स जाओगे। मतलब हम वार्ड जाएंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छा इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छा इसके पेशेंट्स इस तरह के हैं, ख़ास पेशेंट है जो जिसको यही डिजीज़ होता है हमेशा। तो वार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इस तरह की ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो और फिर उसमें आप कहोगे कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर आप उसकी लिटरेचर रिव्यू करके यू कैन फिगर आउट रिसर्च टॉपिक्स। एंड इट्स अ रियली गुड टाइम कि क्योंकि आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो आराम से। अगर मेरी 3 मंथ्स की रोटेशन लगी हुई है 3rd ईयर में सर्जरी में, तो और वो इतना पढ़ाते भी नहीं हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम कि आप डाटा कलेक्ट कर लो। एंड डाटा कलेक्ट करने का सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी हिस्ट्री लेने की प्रैक्टिस अलग हो जाती है डाटा कलेक्ट करने में। मतलब इट्स लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, नॉट बोथ वर्ल्ड्स बट हम वीडियो रिकॉर्ड करें। क्या कह रहे थे हम लोग? हाँ, वी वेंट ऑन अ टैंजेंट। टिप नंबर 4, अज्यूमिंग कि आप आ गए हैं वार्ड में, यू शोड अप एंड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड यू हैव एक्सप्लोर्ड योर वार्ड। नेक्स्ट स्टेप है मेक अ वार्ड किट। अब इसमें ये अभी तो वैसे ईयर स्टार्ट हो चुके हैं, यू हैव अ जनरल आइडिया कि वार्ड किट क्या होती है, वार्ड क्या होता है। तो इसमें यह है कि आप लोगों को ना एग्जामिनेशंस करनी होती हैं पेशेंट्स की, और इवन अगर हिस्ट्री भी लेनी होती है। सबसे पहले यू शुड हैव अ स्मॉल डायरी और पेन हिस्ट्री नोट डाउन करने के लिए, और उसके बाद जो एग्जामिनेशंस है ना उसमें स्टेथ जो है यू शुड ऑलवेज़ हैव अ स्टेथ, मतलब हर वक्त आपके गले में लटका हुआ होना चाहिए। और क्योंकि स्टेथ से और ये फंक्शंस भी वैसे पढ़ लेना कि स्टेथ से क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं, बट एनीवेज स्टेथ होना चाहिए आपके पास। एक टॉर्च लाइट जो पेन लाइट ख़ास तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होती है, बिकॉज जब पेशेंट के मुंह पे वो फ़ोन खोल के उसमें से फ्लैश खोलना एंड अच्छा नहीं लगता है। एंड यू विल प्रॉब्ली सी मी डूइंग दिस बिकॉज मेरे वाली पेन लाइट अभी ख़राब हुई हुई है, बट डोंट कॉल मी आउट। और उसके अलावा मेजरिंग टेप, इसका फ़ायदा ये है कि मेजरिंग टेप होने का फ़ायदा ये है कि टीचर के सामने इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा आपका क्योंकि मेरे वार्ड में अभी भी अब सबने ले ली है वैसे भाई दोस्त ने, मैंने इससे पहले क्या मेरे वार्ड में अभी तक किसी ने नहीं ली हुई थी मेजरिंग टेप। और मैम जब भी कहती थी आप लोग फाइनल ईयर में आगे आपके पास ये तो होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले निकालती थी ये मेजरिंग टेप है मेरे पास। मेजरिंग टेप के मैं फंक्शंस बता देती हूँ, कोई भी लम्प वगैरह कोई भी चीज़ है उसकी आपने डायमेंशंस मेजर करनी होती हैं, तो आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए हर वक्त। इसके अलावा रिस्ट वॉच, क्योंकि अक्सर वो पल्स वगैरह लेनी होती है तो उसमें भी टाइम नोट करना होता है। और इसके अलावा बीपी एपरेटस, ये है कि वो छोटा सा मिलता है ना वो स्ट्रैप वाला जो बीपी एपरेटस है वो भी हर वक्त होना चाहिए। दैट्स गुड थिंग टू कीप विद यू। और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए बीपी लेने की, बिल्कुल बेसिक एक टास्क है, अगर ये नहीं आता होगा तो फिर आगे कुछ होगा ही नहीं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? स्टेथोस्कोप की बात हो रही थी, स्टेथोस्कोप में मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर गैंग्रीन का भी पेशेंट आया ना जिसके पाँव का मसला है, उसके हार्ट या लंग्स का मसला नहीं भी है ना, तो ज़बरदस्ती उसकी हार्ट और लंग साउंड सुने जाके, चाहे जिस मर्जी चीज़ का पेशेंट है, आपको प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। हार्ट और लंग साउंड हर पेशेंट की अपनी, अपने भाई की, अपनी फैमिली में हर बंदे की, जितनी आप हार्ट और लंग साउंड सुन सकते हैं ना उतनी सुननी है। अच्छा हाँ, एंड दिस इज नॉट ओनली इस एस्पेक्ट से बट ऑल्सो कि अगर कोई गैंग्रीन का पेशेंट है भी ना तो देयर इज़ अ फेयर चांस कि उसके हार्ट में कोई मसला हो, क्योंकि हार्ट इज़ वेरी सेंट्रल टू एवरीथिंग, क्योंकि जो ब्लड हार्ट पंप करे वो फुल बॉडी में जा रहा है। तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत से डिजीज़ होते हैं उनके अंडरलाइन कॉज में सीरियस होता है। अब जैसे उस दिन सर्जरी के वार्ड में पेशेंट था हर्निया का, और हम उसकी एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो वैसे ही हमने हार्ट साउंड्स इसी ने सुनी, तो ही पिक्ड इट अप टू पैंक्रियाटाइटिस का था। हाँ, पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट थे वो, कैंसर के पेशेंट थे, तो इन्होंने उसकी हार्ट साउंड सुनी तो उसमें इनको लगा कि कुछ है। मुझे तो फिर भी आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन वो माइट्रल रिगर्जिटेशन का पेशेंट था, वो सुना था। और उसमें हाँ, उसके बाद हमने उसकी फाइल देखी थी, उसकी एको हुई भी थी, तो उसको अपेरेंटली था माइट्रल रिगर्जिटेशन इनसफिशिएंसी थी, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, और उसका रिगर्ज का साउंड आ रहा था। और हाँ, और ये चीज़ डायग्नोज उसकी अभी हुई थी, मतलब इसने नहीं की थी, इससे पहले एको हो चुकी थी इसलिए उन्होंने की थी। लेकिन अगर इसने फॉर एग्जाम्पल इसको पहले एग्जामिन किया होता, मतलब ओपीडी में फॉर एग्जांपल, तो इसने डायग्नोज कर लेनी थी, मतलब क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मतलब इतनी उनको बीमारियाँ होती हैं, सिर्फ एक बीमारी तो होती नहीं है। तो यू वांट टू ट्रीट द होल पेशेंट, मतलब सिर्फ एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को तो नहीं आपने ट्रीट करना ना। तो ऑलवेज हैव योर स्टेथ विद यू इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। नंबर 5 मेक ग्रुप्स। अब ग्रुप्स का मतलब है कि फ्रेंड ग्रुप्स। देखें, फ्रेंड इज, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड फ्रेंड। टेंजेंट पे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ। अच्छा, ग्रुप्स बनाने में ये है कि आप ना अपने इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स रखें, इज़ द वर्ड आई वुड यूज़ इंस्टेड ऑफ फ्रेंड्स। अब वार्ड्स का, अब तो आप कस्टम वार्ड्स बना सकते हो ना, ये ना करना कि ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है तो मैंने इसके साथ वार्ड में जाना है। लाइक बच्चे और कोऑपरेटिव हम्बल बच्चों के साथ वार्ड बनाएं। किड्स हु आर ओपन टू लर्निंग, उनके साथ अपना वार्ड बनाएं। आई डोंट केयर कि आप अपने आप को एक्सट्रोवर्ट लेबल करते हैं या इंट्रोवर्ट लेबल करते हैं या क्या करते हैं, वो चीज़ें नहीं मैटर करती, क्योंकि अब आप डॉक्टर बन रहे हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर एंड रेलिवेंट। डॉक्टर जो होता है, ही हैज़ टू वर्क इन टीम्स, आप अकेले पेशेंट को कभी नहीं ट्रीट। मैं यही कहने लगा था कि लाइक होना ज़रूरी नहीं है वार्ड ग्रुप वाले बच्चों का, बस हाँ, वो आउटवर्डली होने चाहिए कि वो आप मतलब लोगों से बात कर सकें, क्योंकि डॉक्टरी सारी है ही है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं अच्छे डॉक्टर बन सकोगे। और कोई बड़ा ग्रुप होने की जरूरत भी नहीं है, लिटरली एक और बंदा हो सकता है जो कि आउटवर्डली हो, और आप दोनों अकेले बेशक वार्ड में जाएं लेकिन करें। हाँ, इवन इफ यू थिंक के यू आर स्मार्ट इनफ टू वर्क अलोन, दो लोग होने से ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अब जैसे अब ये एग्जामिनेशन करा होगा तो मैं बहुत सी उसमें गलतियाँ निकाल लूँगी, और लेकिन अगर वही एग्जामिनेशन मैं करी होती तो मैं अपनी गलतियाँ उस तरह पिक ना कर सकती. तो इट ऑलवेज़ हेल्प्स टू हैव एटलीस्ट 1-2 मोर पीपल. और मैं तो क्योंकि मैं आई वुड से कि मैं इंट्रोवर्ट थी और वरेवर, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था इस तरह पेशेंट्स के मुंह पे चले जाना और उनको तंग करना. इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो अगर एक और बंदा भी आपके साथ हो, दो बंदे हो, तो इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट पेशेंट के साथ. तो मेक ग्रुप्स. इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, इट डजेंट मैटर इफ़ यू थिंक यू कैन मेक फ्रेंड्स और इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. बात करें, ग्रुप में मैसेज करें, हे मैंने प्रैक्टिस करनी है, ये हिस्ट्री है, एग्जाम, प्लीज़ विल समवन कम विद मी, इस तरह. और अब इस तरह आपके दोस्त बन भी जाएंगे. दिस इज़ अ गुड सेगवे इनटू टिप नंबर 5. यू डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट मेकिंग ग्रुप्स. आई जस्ट सेड कि एक और से व्हाट डू यू नाउ द सेगवे इज रुइंड. अच्छा बोले एटलीस्ट एक वीक में जो है एटलीस्ट एक दफ़ा हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन लाजमी करें. ओह नो, दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप. रुकें, अभी हमने 5 टिप्स दी हैं, इग्नोर करें इसको. 6वीं टिप है तो ये कट हो जाएगा ना. 6वीं टिप है प्रिपेयर बिफोर हैंड. अब इसमें यह है कि आपने बस मैं डिस्क्राइब करता हूँ प्रिपेयर बिफोर हैंड. मैं करता हूँ, यू डिस्क्राइब एवरीथिंग फर्स्ट. प्रिपेयर बिफोर हैंड का ये है कि अक्सर वार्ड में, जिस भी वार्ड में आपकी रोटेशन होगी, जिस भी वार्ड में वैसे ही जाना, गलती से भी आप उधर चले गए तो उधर अगर सर्जरी का वार्ड है तो उसमें ओटी डेज में ओटी लिस्ट लगी होगी एक दिन पहले. और अगर वैसे आपको कोई भी रोटेशन है तो आपको एक मिलेगा सिलेबस जैसे चीज़ मिलेगी जिसमें सारे प्रोसीजर्स या सारे एग्जामिनेशन स्केड्यूल में लिखा होगा कि हार्ट की एग्जामिनेशन या प्री कॉर्डियल एग्जामिनेशन करनी वगैरह है. तो वो जिस दिन करना है उससे एटलीस्ट एक दिन पहले लाजमी किसी बुक से, यूट्यूब वीडियो वगैरह से नहीं, किसी बुक से लाजमी पढ़ के जाना है. अभी वो भी मैं बताता हूँ क्यों. जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन का वार्ड है तो बेड साइड को गोला मारें, मैक्लियोड खोलें, वो टॉपिक मैक्लियोड से पढ़ के जाएं. सर्जरी का वार्ड है, अगर नॉर्मल एग्जामिनेशन है किसी चीज़ की तो ब्राउज पढ़ें. अगर ओटी डे है तो बेशक वीडियो देख लें उसकी, क्योंकि वो अब बेली वगैरह तो पढ़नी नहीं है, अभी थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में पढ़नी है. तुम लोग हमारी वीडियो में आओगे, अब मैं नहीं क्रॉप कर रही. अच्छा, ये मैक्लॉयड के बारे में कुछ रो रहा था. मैं ये कहने लगी थी कि मेरा पर्सपेक्टिव प्रिपेयर बिफोर हैंड का ये है कि आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसके लिए ना बगैर किसी डेडलाइन लूमिंग इम्पेंडिंग डूम के पढ़ना बहुत मुश्किल है. मतलब आई फाइंड इट रियली हार्ड टू ओपन अ बुक विदाउट एग्जाम्स जस्ट ऑन मी. तो मैं यूजली ये करती हूँ कि मेरी सुबह इस्लामाबाद वाली बस ना कोई आधा एक घंटा लगाती है, तो मैं बस में बैठ के पढ़ लेती हूँ. और उसमें भी मैं यूजली या पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, गूगल पॉडकास्ट पे देयर इज़ रियली गुड स्टफ़. तो जो भी उस दिन का टॉपिक होता है आई सर्च ऑन इट और फिर उसकी पॉडकास्ट खोल के सुन लेती हूँ, या फिर आई वॉच वीडियोज़, या पढ़ भी लेती हूँ कभी कभार बुक से. तो और वार्ड में भी ना काफ़ी टाइम होता है, तो प्रिपेयर बिफोर हैंड इफ़ यूर समवन लाइक मी जिसके लिए बहुत मुश्किल है इस तरह लाइक एक दिन पहले खोल के पढ़ना. तो आई वार्ड में ना काफ़ी टाइम होता है आपके पास, क्योंकि वार्ड कोई 3-4 घंटों का होता है. तो उसमें ये कर लें कि आप पहले बैठ के, बेशक जो आपने इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स का ग्रुप बनाया था उनके साथ मिल के, बेशक एक अच्छी बुक से जैसा कि मैक्लॉयड, उससे पढ़ लें. और जो भी आपने एग्जामिनेशन करनी है, जैसे एब्डोमिनल एग्ज़ाम करना है, आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट लगेंगे आपको, सिर्फ रीड करें तब. और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपस में कर लें और फिर वार्ड जाएं. ठीक है, आप वार्ड क्लासरूम में ही बैठे हुए थे सिनेरियो में, उसमें निकल के वार्ड में जाएं और फिर पेशेंट से जैसे करते हैं वो फिर करें. तो प्रिपेयर बिफोर हैंड इन माई ओपिनियन इस तरह होगा, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो गुड इफ़ यू कैन मैनेज कि आप एक दिन पहले कमिट करके करो उसको तैयार. ओके, नेक्स्ट टिप नंबर 7 है टेक हिस्ट्री एंड डू एग्जामिनेशंस एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक. ओके, मैं स्टार्ट कर देती हूँ इस बारे में. मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि रोज़ करें, क्योंकि दैट्स मतलब अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो दैट्स रियली गुड. मेरी हमेशा ये होती थी कि हाँ बस रोज़ करना है, बट देन आई एंडेड अप नॉट बीइंग एबल टू डू इट, और फिर मैं बार बार डिसअपॉइंट होती थी अपने आप से, एंड दैट जस्ट डिडंट हेल्प एट ऑल. तो थोड़ा सा अचीवेबल टारगेट सेट करें और उसी टारगेट को अचीव करें. दे ऑल्सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एम फॉर द पता नहीं मून एंड लैंड ऑन द स्टार्स, दिस इज काइंड ऑफ डम ऑनेस्टली. एम फॉर द स्टार्स एंड लैंड ऑन द मून. हाँ, जहाँ भी जा रहे हैं. अच्छा मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो अचीवेबल टारगेट रखें और उस टारगेट को अचीव करें, इससे डिसिप्लिन आता है। टू डू द थिंग कि इतना बड़ा टारगेट करके उससे नीचे वाला अचीव करके खुश हो जाना इज जस्ट डोंट डू दैट। नो योर सेल्फ एंड देन डू सेट एट अचीवेबल टारगेट एंड अचीव दैट टारगेट। खैर तो अच्छा मैं बताता हूँ हिस्ट्री और एग्ज़ाम ना कोशिश करें कि इस तरह। अच्छा हिस्ट्री लेने की एक ये बात है कि मेरा भी ये फॉल्स परसेप्शन था थर्ड ईयर में, क्योंकि मैंने ना हिस्ट्री लेना बहुत अच्छी सीख ली थी तो आई थॉट कि बस काम मुक गया है, मतलब कि बस अच्छी तरह एक दफ़ा सीख लिया तो बस मुक गया। लेकिन द थिंग अबाउट हिस्ट्री इट इज़ समथिंग यू विल कीप लर्निंग योर एंटायर लाइफ। और ये बात मुझे याद है टीचर ने बोली थी हमारे वार्ड में पहले दिन, एंड आई वाज लाइक वही चीज़ है, इसमें कौन सा इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो सकता है। बट देन यू एंड अप विद अ पेशेंट जिसको 10 बीमारी हैं एंड आपको वो मेथोडिकल सी हिस्ट्री लेनी आती है एंड यू डोंट नो कि आप अब उससे पहले क्या सवाल पूछें एंड यू आर जस्ट लाइक शफलिंग थ्रू योर नोट्स। तो हिस्ट्री लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर पेशेंट आपको एक नया चैलेंज लेके आएगा, एंड ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक मेडिकल चैलेंज हो, इट विल बी के हो सकता है उसकी लैंग्वेज और हो सकता है वो ओल्ड पेशेंट हो, उसकी हेयरिंग मतलब सही ना हो सकता है छोटा पेशेंट हो, उसको समझ ना आ रही हो आपकी बातें। तो इसलिए हिस्ट्री बार 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 लेना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर दफ़ा कोई नया बंदा होगा, हर दफ़ा कोई ना कोई नया चैलेंज होगा। तो जितनी आप हिस्ट्री लेंगे उतना आपकी मतलब उतना आपके हाथ में चीज़ें अच्छी आएंगी। आई एग्री कि जितनी हिस्ट्री लेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू के पूरी ज़िंदगी नई हिस्ट्री सीखते रहेंगे। हिस्ट्री वही है, ऑब्वियसली हिस्ट्री में लर्निंग कर्व तो है एक, लेकिन हिस्ट्री जो एक एब्डोमेन की हिस्ट्री है वो हर केस में मैक्सिमलिस्ट अप्रोच से आपको पढ़ाई जाएगी कि ये सब कुछ पूछ सकते हैं आप हिस्ट्री में। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक्चुअल पेशेंट से ले रहे होंगे तो उसमें से चीज़ें रिड्यूस करके प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ रिड्यूस करनी है उसमें से, जो आपने पढ़नी है या जो आपने अभी थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में प्रैक्टिस करनी है वो मैक्सिमलिस्ट हिस्ट्री है कि जो कुछ आप एब्डोमेन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं उसमें वो आपने पूछनी है। बेशक वो आपके डायग्नोसिस को अफेक्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो, अभी के केस में आपने पूछनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद एक्सपीरियंस वो रिड्यूस करना आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना नई चीज़ सीखने का कोई इतना रूम है हिस्ट्री एग्जामिनेशन में। हिस्ट्री लेने के तरीका आप मतलब आपका ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा, जो मैं लर्निंग कर्व की बात करूँ कि आप बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे। मैं कहना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री टेकिंग इज नॉट मतलब स्टेप बाय स्टेप यही होना है, मैथमेटिकल नहीं है। नहीं अभी शुरू में यही है। आई डिसएग्री। अच्छा एक सेकेंड ना जिसको अच्छा आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत है, आई एम सेइंग योर थिंग वर्क्स फॉर सम पीपल, माय थिंग विल वर्क फॉर अदर पीपल। अब ये है कि हिस्ट्री ना आप हिस्ट्री टेकिंग इसलिए मैथोडिकल नहीं है क्योंकि बहुत पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब अक्सर अब कोई आंटी हैं जिनको बोलने का बहुत शौक है, शी विल नॉट लेट यू आस्क ऑर्डर में कि अच्छा कब शुरू हुआ था, अच्छा कब ख़त्म हुआ है, कैसा हुआ है, शी विल नॉट। तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी पूरी। यू लर्न टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी ना, लेकिन उन्होंने कोशिश जो है ना, एम जो है वही मैथोडिकल और लिनियर जो बना हुआ है स्ट्रक्चर उसके हिसाब से लेना आनी चाहिए एज अ सॉलिड फाउंडेशन। हाँ आना चाहिए, सिस्टेमिक तरीका तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस के साथ। फिर ऑब्वियसली मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स आई नोटिस के बच्चों को ये आइडिया फॉर सम रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे लिए एंड इवन हिम, हम लोग जब हिस्ट्री लेते थे ना पहले भी और अभी भी, हम ये करते हैं कि क्लास से ही लिख के ले आते हैं हेडिंग्स, जैसे बायोडाटा ये चीज़ें इसमें पूछनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, और फिर पेशेंट के पास जाके वो पूछ के साथ साथ लिख लेते हैं। तो आई डोंट नो कि बच्चे इसका सिस्टेमिकली नहीं करते, दे जस्ट ब्लैंकली गो टू अ पेशेंट एंड स्टार्ट लाइक। नहीं ये थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में करता था, लेकिन अब नहीं लिख के जाता। हाँ अब थोड़ी सी मतलब याद हो गया ना, प्रैक्टिस हो गई है तो हाँ। और थर्ड ईयर में ये भी कोशिश करें कि आप पेशेंट से, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर टाइम होगा आपके पास कि आप पेशेंट से एक्चुअल कम्युनिकेट करें। मतलब अब इसका एक तो ये फ़ायदा है कि आपकी एम्बेरसमेंट भी बच जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसे अब ये होता था हमारे साथ कि मैं भी इतनी दफ़ा कर चुकी हूँ कि मैं पहले पूछ लेती थी अच्छा आपके बच्चे कितने हैं, देड बी लाइक 3, और फिर मैं पूछती थी अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट लिखा होता था मैरिटल स्टेटस, तो मैं पूछती थी अच्छा आप शादीशुदा हैं, एंड देन देड बी लाइक जी। तो इस एम्बेरसमेंट तो अपना दिमाग ना ऑन रखना है, लाइक बी प्रेजेंट बी देयर, और फिर रियलाइज़ कि अगला बंदा इंसान है, ठीक है, और आप लाइक एक्चुअल बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हो। वो ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा दोनों चीजें मैनेज करना, कि प्रेजेंट भी रहे बंदा और फिर वो स्कीम को भी फॉलो करे। लेकिन ओवर टाइम जो है प्रैक्टिस के साथ साथ जब वो उस पर इतनी कमांड हो जाएगी उस स्कीम पे, तो वो प्रेजेंट होना ज्यादा इजी होता रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से इस वजह से ऑब्वियसली डिस्करेज नहीं होना कि अगर पहले से ही दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। फिर और इसमें एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ ये इशू होता था कि आई फेल्ट बैड पेशेंट से बात करने के, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर मतलब उनको लग रहा है कि मैं पता नहीं अभी क्या ब्रेक थ्रू उनको बता दूंगी हल उनके सारे मसलों का, देन आई जस्ट फेल्ट बैड इस तरह करने से ना। तो इसमें दो हल मुझे मिले थे। एक हल ये है कि आप पेशेंट के पास जाते ही ना बहुत लाइक हम्बली खूबसूरती से सलाम करो, टेल देम दैट यूर अ पेशेंट, सॉरी टेल देम दैट यूर स्टूडेंट, मतलब मुझे नहीं पता स्टूडेंट उर्दू में क्या कहते हैं, तालिब इल्म, कह देना कि लाइक मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ, फिफ्थ ईयर का, हम असल में हिस्ट्री लेना सीख रहे हैं, पेशेंट से बात करना सीख रहे हैं, तो इसलिए इस मामले में हमने आपसे बात करनी है, ठीक है, आपको मसला तो नहीं है, आपके पास टाइम है, इस तरह कर लें। इससे ये होता है कि वो जो एक सेंस ऑफ प्रेशर आता है ना कि नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो कोई ऐसी मतलब एम्बेरेस नहीं होना पेशेंट के सामने, इससे वो चीज़ हट जाती है। दे नो कि आप पेशेंट हो एंड यू नो एक मतलब वो जो बॉर्डर्स सेटअप हुआ हुआ होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो हट जाता है। और दूसरा इसका सोल्यूशन मुझे ये था कि जब पेशेंट से आप ले लेना हिस्ट्री तो एंड पे उससे पूछ लें कि आप कुछ पूछना चाहते हैं सवाल। आई नो कि थर्ड ईयर के लेवल पे यू थिंक कि आपको कुछ नहीं पता, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो खासतौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं दे रियली डोंट नो एनीथिंग, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता हैं जो उनको नहीं पता होंगी, ठीक है, मतलब इवन एज सिंपल एज ए शुगर, क्या शुगर होती क्या है, मैं इसको क्या कैसे मैनेज करूँ, मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसका जवाब। तो जब आप हिस्ट्री ले लें तो आप पेशेंट से पूछ लें कि आपका कोई सवाल या कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही हो, आप पूछ लें मुझसे। क्यों और अक्सर इस तरह भी होता है ना कि राउंड्स में जब डॉक्टर्स जा रहे होते हैं तो वो उनके सामने डिस्कस करके भाग जाते हैं और पेशेंट को कुछ नहीं पता होता, उसको बीमारी क्या है, उसका होने क्या लगा है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। तो आप पेशेंट को टाइम दें, उससे पूछ लें कि आपकी कोई क्वेरी है तो उसको समझा दें थोड़ा बहुत, एंड ट्रस्ट मी आपको पता होंगी चीज़ें। अब आपको वो नहीं समझना कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको प्रॉब्ली पता होंगी पेशेंट से ज़्यादा चीज़ें। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, केसेस प्रेजेंट करना। केसेस प्रेजेंट, अब के हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेना जितना इम्पोर्टेंट है ना, इक्वली इम्पोर्टेंट इफ नॉट मोर इज केस प्रेजेंटेशन। इस केस प्रेजेंटेशन का मैं मतलब बता देती हूँ। केस प्रेजेंट करने का मतलब होता है कि अब मैंने जो बताने लगा था केस प्रेजेंटेशन का मसला थक तो नहीं पानी ला दो रोज़ा है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले ली है तो मैं दूसरे डॉक्टर को कैसे बताऊंगी कि क्या है ये पेशेंट, समराइज करके बट ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, हिस्ट्री लेने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं बताता हूँ केस प्रेजेंटेशन होती क्या है। अब के हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपने ले ली है, आप जो है वो इस वक्त स्टूडेंट हैं, आपको कोई आप अगर स्टूडेंट नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर आप HO भी बन गए हैं या अगर आप PG भी बन गए हैं तो केस प्रेजेंटेशन आपने करनी है अपने सुपीरियर को। आपने हर केस में अपने सुपीरियर को समझाना है कि ये मेरे पास एक पेशेंट आया है और इससे जब मैंने सवाल जवाब किया है, इसको जब मैंने देखा है, हाथ लगाया है, तो उसके बाद मुझे ये चीज़ें पता चली हैं और इस वजह से मुझे ये बीमारी इसको लग रही है। अब ये चीज़ जो है ये मतलब वैसे इंट्यूटिवली सेंस बनाती है कि मैंने हिस्ट्री लिया तो मैं आराम से बता सकूंगा कि ये हिस्ट्री है, ये एग्ज़ाम है, लेकिन जब एक्चुअल में प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब सबसे बड़ा मसला जो होता है प्रेजेंट करने का वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बकवास बता के आते हैं सीनियर्स को, जिसकी वजह से वो एक तो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं कि उनका डायग्नोसिस जो बना होता है उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नंबर 2 ये होता है कि वो सीरियसली मतलब सीधा बोर हो जाते हैं, वो बकवास नहीं सुनना चाहते और फिर खुद ही कहते हैं कि इम्पोर्टेंट या पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या है इसमें जिसका फायदा है, जिसका मतलब कोई काम की बात बताएं आप। तो केस प्रेजेंट करने से एक तो ये है कि आपकी ये स्किल डेवलप होगी, नंबर 2 वैसे ही कॉन्फिडेंस वगैरह जो है इसमें जो डेवलप होता है, जो प्रोफेशनल ग्रोथ है जो आपको खुद प्रेजेंट करने से। जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि मुझे प्रेजेंट करने से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना बेहतर हो रहे हैं मेरे, विच weirdly makes sense कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेने से मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में जितना प्रेजेंट करने से हुआ है, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के पता चल जाता है कि अच्छा हाँ वो इस चीज़ को डिसरिगार्ड करेंगे, इस चीज़ को डिसरिगार्ड करेंगे, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नहीं है, उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मेरा नहीं है, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और इसकी वजह से ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट करने से इंतहा के फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंट तरीन स्किल है और ये भी टाइम के साथ साथ आएगी। और सबसे अगर आपने प्रेजेंटेशन का तरीका बेसिक तरीन तरीका सीखना है तो पेशेंट की फाइल पे जो है ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस वाला जो सेक्शन है उसको लाजमी पढ़ें। हर पेशेंट फाइल में जो है वो एक हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का तरीका, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लिखी होगी, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह लिखा होगा माय पेशेंट वकास फॉर एग्जांपल वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ USOH लिखा होगा अंटिल 3 years ago when he developed this and this, और एग्जैक्टली इसी तरह प्रेजेंट भी करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि अब ऑब्वियसली बंदा डरता है HO को सीधा जाके, HO से भी डरता है इवन इस लेवल पे, तो ये है कि इसमें भी वो ग्रुप्स वाली बात आती है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स के पास जाएं, उनको प्रेजेंट करें। और ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि आप ना ये करें कि किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल पार्टनर के पास जाएं जिसने उस पेशेंट को ना देखा हो, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट करें केस, तो देखना वो नेचुरली ना, क्योंकि नेचुरल क्यूरोसिटी होती है ह्यूमन बींग्स में, तो वो नेचुरली आपसे पूछेगा अच्छा इसकी शादी हुई थी, अच्छा ये है उसको, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि फिर उससे आपको पता चल जाता है अच्छा मैंने ये चीज़ मिस की है, अच्छा मैंने इस तरह प्रेजेंट करना है कि मैं ये चीज़ें पहले ही बता दूं ताकि डॉक्टर को पूछना ना पड़े कि अच्छा ये है उसको। अच्छा, मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री करूंगा कि फॉर स्पेशली थर्ड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर में जो आपका इंटेलेक्चुअल पार्टनर है ना उसकी भी इतनी इंटेलेक्ट नहीं है कि वो आपको गेज कर सके कि आपने किस तरह प्रेजेंट की है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हिस्ट्री एग्जाम पर मेहनत की है ना इतनी लेने में, हिस्ट्री एग्जाम लेने में, तो HO को या किसी वहाँ पे PG फ्री बैठे होंगे क्लासरूम्स वगैरह में, अक्सर डॉक्टर्स रूम में फ्री बैठे होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे 95% 98% PG SRs HOs इंतहा के एंथुजियास्टिक होते हैं हेल्प करने के केस में, मतलब बेइज्जती करने का उनको मौका मिल जाता है, तो एंजॉय दैट बेइज्जती, वो बेशक को दिल पे नहीं लेना, उनकी इंटेंशन जो सारी जिंदगी होगी। ओ हां, दिस ये रैंडम टेंजेंट है, 2 मिनट पहले इंपॉर्टेंट नहीं रैंडम टेंजेंट। अच्छा, जैसा मैं कह रहा, मैं बताने लगी थी कि बेइज्जती सारी जिंदगी होगी। अभी कल ही हम लोग एक सर्जरी में थे और HOD 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं सब क्रॉप कर दूंगी सारे आपके सेगमेंट क्रॉप कर दूंगी। चले बोले क्या बोल रहा था के PGs को प्रेजेंट करें, वो बेइज्जती करेंगे लेकिन दिल पे नहीं लेंगे भी, जैसा कि मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं HOs SRs PGs कोई भी हायरार्की में जो एक्चुअल फील्ड का बंदा है ना जो इस चीज़ से गुजर चुका है उसको लाजमी प्रेजेंट करें। बेशक अपने इंटेलेक्चुअल पार्टनर को भी आप प्रेजेंट कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको जो एक्चुअल लर्निंग होगी वो तब होगी जब आप HOs SR PGs को, या अक्सर तो HODs वगैरह भी फ्री होते हैं, तो उनको मतलब जो आपको मिल रहा है उनको कर दें। अच्छा, नेक्स्ट है टिप नंबर 9, राइट डाउन योर हिस्ट्री। Now I know you're thinking, oh. No. Also, जब You'll do it again? No. एक सेकेंड, जब हम हिस्ट्री की बात करें तो we also mean examination, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन भी प्रेजेंट करनी होती है। इवन दो थर्ड ईयर में they may not expect you to, but करना शुरू कर दें। एग्जामिनेशन में भी आपने उसी तरह प्रेजेंट करना होता है कि अपॉन एग्जामिनेशन द पेशेंट वॉज वाइटली स्टेबल, नो अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एक्सेप्ट एन एब्डोमिनल मैस 3 cm क्रॉस 10 cm, इस तरह की बातें। तो आप जब केस प्रेजेंट करें तो उसमें हिस्ट्री एग्जाम दोनों होती हैं, दोनों को आपने समराइज करके प्रेजेंट करना है। अच्छा, नंबर 9 जो है राइट डाउन का फ़ायदा अब ये है कि वो क्लिनिकल वर्क बुक्स होती हैं आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ ईयर में हमारी नहीं थी, आई डोंट नो कि अब होती हैं नहीं, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ईयर में क्लिनिकल वर्क बुक्स होती हैं जो बच्चे साल के आखिर में पागलों की तरह एक दूसरे से ले के हिस्ट्रीज भर रहे होते हैं। एंड वो नहीं करना आपने क्या करना है कि जो आप रोज़ की वीक में 2 दफ़ा हिस्ट्री ले रहे हैं उसको नीट करके आपने लिखना है वर्कबुक में। इसका फ़ायदा यह है कि हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करना एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे अब आप पेशेंट्स की फ़ाइल्स देखेंगे तो उसमें हर रोज़ नए से डॉक्यूमेंट होती है हिस्ट्री, और ये आपकी ड्यूटी होगी जब आप HO होगे तो आपकी ड्यूटी होगी कि आपने फ़ाइल में डॉक्यूमेंट करना है। तो अब डॉक्यूमेंट करने में भी उसी तरह आपने करना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी लिखनी हैं और एसेट्रा। तो इससे आपको यही 2 फ़ायदे हो रहे हैं, एक ये कि आप साल के एंड में पागल नहीं होगे, और दूसरा ये कि आपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा चंक है, डॉक्टर्स ने जो एक्चुअल काम करना होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन। आई डोंट नो अबाउट क्लिनिकल वर्कबुक्स के उस पे टाइम, अगर वो टाइम आप हिस्ट्री एग्जाम सीखने में या किसी और चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना टाइम होता है दिन में, 24 आवर्स होते हैं। और मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर वो तीसरी बात जो मैंने खुद नोटिस की है क्लिनिकल वर्कबुक्स फिल करते हुए वो ये है कि जब आप लिखने लगते हो ना तो आपको एक और तीसरे पर्सपेक्टिव से नजर आती है हिस्ट्री। मतलब मैं अक्सर लिखना शुरू करती हूँ और फिर मुझे होता है कि शिट ये तो मैंने पूछा ही नहीं, और शिट ये भी पूछ लेना चाहिए था। तो आई थिंक के दीज 3 थिंग्स, हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री और एग्ज़ाम करना के प्रेजेंट करना और लिखना, ये तीनों दे गो हैंड इन रियली हेल्पिंग यू ओरिएंट द पेशेंट इन योर माइंड. ओके गो ऑन. मैं ये कहने लगा था कि दोनों जब भी क्लिनिकल वर्कबुक्स या कोई भी इस तरह के जर्नल आए ना, स्पेशली यहाँ पे कोई उसकी इतनी मुझे वेटेज नहीं लगी लिखने की. मैंने ये जिस तरह फॉर एग्जांपल किया था कि वो जो हिस्ट्री एग्जाम मैंने पूरे वार्ड में लिए हैं, वो मैंने वैसे जो वार्ड के बीच में जब मैं हिस्ट्री एग्जाम ले रहा था तब मैंने नोट्स वगैरह रफ से बनाए हुए थे, और फिर जब एंड में जो है वो अक्सर लोग ये PDF कंपाइल करके भी भेज देते हैं, या वार्ड ग्रुप में जो है वो इमेजेस वगैरह भी सारों के पड़े होते हैं. तो मतलब एक दिन में वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले या जब भी एक दिन पहले जो है वो आराम से बनाई जा सकती है. तो आई वुडंट वेस्ट टाइम ऑन इट. आई डोंट थिंक इट्स वेस्टिंग. आई थिंक मतलब आप हफ्ते में एक हिस्ट्री अगर आप क्लिनिकल वर्कबुक में लिख रहे थे अच्छे बच्चों की तरह, तो कितना टाइम लगता है? तो अच्छा बच्चा होना सब्जेक्टिव है ना, ये आधा घंटा 20 मिनट 20 मिनट. मेरा ये है कि मैं अभी परसों ही हिस्ट्री लिख रही थी अपनी फाइनल ईयर की क्लिनिकल वर्कबुक में, तो उसमें मैंने ये किया था कि मैंने मैक्लॉयड साइट पे रख ली थी और उसमें फिर मैंने खोल लिया था कि अच्छा मैक्लॉयड में फॉर एग्जांपल हर्निया के क्या क्या क्वेश्चंस थे, हमने वो सारे पूछे हैं, हमने सारे डॉक्यूमेंट किए हैं नहीं. ये सारा काम, तो ये जो सारा काम है ये सारा तो हिस्ट्री और एग्जाम से पहले जो किया है, हिस्ट्री एग्जाम उससे पहले करना चाहिए और फिर प्रेजेंट करने से पहले. प्रेजेंट करने से पहले आप कर लें, प्रेजेंट करने से पहले ये अभी वर्कबुक से कोई इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं नजर आ रही मुझे. नहीं, आई थिंक कर लेना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन से पहले करना चाहिए ये वाला काम के मैक्लियोड वगैरह से देख लें क्या क्या मिस हुआ है, क्योंकि 100% कुछ ना कुछ तो मिस है. एक दो चीज आप हिस्ट्री लें वार्ड से जाके, फिर उसके बाद रफ ना लें, डिटेल लें. नहीं, मेरा मतलब लिखा हुआ जो रिटर्न, क्योंकि डॉक्यूमेंट करना है एक्चुअल मतलब पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन होगी ना. या तो लेकिन अगर एक दफा प्रेजेंट कर लिया ना तो डॉक्यूमेंट करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं, वही चीज़ बस वर्ड्स में लिखनी है. टू ईच इज ओन इज द कंक्लूजन. अच्छा, फाइनल टिप है, टिप नंबर 10, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि आपने यू हैव टू बी विलिंग टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. आपने सवाल पूछने, इवन इफ यू थिंक दैट द डमेस्ट थिंग एवर. ओके, इफ यू थिंक दैट द डमेस्ट थिंग एवर, गूगल कर लें पहले. लेकिन स्पेशली इन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में भी कोई भी आपसे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी. अगर थर्ड ईयर में है तो कोई भी सवाल जो है इनक्रेडिबली इडियोटिक नहीं है. इडियोटिक हो भी तो कोई मसला नहीं है, इनक्रेडिबली इडियोटिक कोई मसला नहीं है. मतलब कोई भी आपको ऐसा ये नहीं कहेगा कि आपको पता ही नहीं है कि हार्ट की एग्जामिनेशन में माइट्रल रिगर्ज की क्या हार्ट साउंड होती है. आप बुक मतलब ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा परफेक्शन. तो वो सारे सिखाने के मूड से बैठे हैं, उनको भी पता है कि थर्ड ईयर है, पहले साल है, अभी क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, और वो इसी मूड से जो है वहाँ बैठे हुए हैं. और जो भी सवाल आप करेंगे वो मोर देन वेलकमिंग, वो मोर देन वेलकम. हाँ, एंड देयर विल बी टाइम्स के आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई HO पढ़ा रहे हैं, कोई PG पढ़ा रहे, दे कैन बी टाइम्स के उनके पास जवाब नहीं होगा, एंड दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि मतलब हर कोई लर्निंग फेज में होता है. और एकदम से अगर आप किसी पे सवाल थ्रो करो तो हो सकता है वो जवाब ना दे पाए. दैट डजंट मीन कि वो डम है, या फिर दैट डजंट ऑल्सो मीन कि आप पूछना छोड़ दें. ठीक है, आपने फिर भी पूछना है. और इवन ये चीज़ जो है ना पेशेंट्स के लिए भी, आई थिंक कि पेशेंट से भी आप इसी तरह क्यूरियस होकर सवाल पूछें, क्योंकि अक्सर ना देखिए जब तक आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते ना आपको उसकी इनर वर्किंग्स फील नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ था अभी प्रॉफ से पहले, तो मुझे एकदम से मतलब मैंने पढ़ा हुआ था, हम ENT पढ़ रहे थे उस टाइम के अराउंड, तो मैंने पढ़ा था टॉन्सिलाइटिस क्या होता है. ठीक है, लेकिन जब मुझे हुआ ना तो आई रियलाइज कि अच्छा लाइक प्रॉपर मुझे प्रोड्रोमल सिम्टम हुए थे, कि पहले मुझे सिर्फ फीवर और हेडेक इस तरह की चीज़ें थी और कुछ टॉन्सिल्स में नहीं था. फिर मुझे टॉन्सिल्स में पेन शुरू हुई, फिर मैंने देखा तो उसमें वो पस नोड्यूल्स थे. तो जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो ना तो यू रियली अंडरस्टैंड इट. तो अक्सर डिजीजेज ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे या जिनके बारे में आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, ये कि अपने आप को डिजीजेस करवाएं. लेकिन नहीं, लेकिन उस पेशेंट दे हैव बिन थ्रू दीज थिंग्स, तो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क देम अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. एंड अक्सर ना हम लोग, क्योंकि अब जैसे RMU जो है ये इस्लामाबाद के करीब है, तो यहाँ के सारे बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी बर्गर, उनको नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया कैसे काम कर रही है, लोग कहाँ से कहाँ रेफर होके आते हैं, कहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं. ठीक है, आई थिंक हाँ इट इज़, मेरे लिए था कि मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या वर्किंग्स होती हैं. तो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू इवन आस्क योर पेशेंट कि अच्छा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा पहले आप कहाँ गए, अच्छा किस किस्म की ट्रीटमेंट हुई, अच्छा इस ऑपरेशन में आपको क्या मतलब क्या क्या बताया गया है? नहीं, ये तो हिस्ट्री में आ गया ना ये सारा कुछ कि कहाँ से रेफर हुआ है। विलिंग टू इवन आस्क पेशेंट्स क्वेश्चंस और पीजीज एचओ सबसे क्वेश्चंस पूछने। और एक चीज़ पूछने में ही एक चीज़ ये है कि थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में इस तरह होगा कि आपको कोई शायद वार्ड में मुंह ना लगाए, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि वो कहेंगे कि आप आ क्यों गए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने एचओडी के पास जाना है। नहीं, जो भी पीए है जस्ट मेक श्योर कि आप उनको अपनी प्रेजेंस फील कराएं। टेल देम कि हम थर्ड ईयर के हैं, हम यहाँ आए हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें स्केड्यूल दें। आस्क देम फॉर स्केड्यूल। ये यूजली ड्यूटी पीए की होती है। गो टू द पीएज ऑफिस, टेल देम हम आए हुए हैं, हमें स्केड्यूल दें, ताकि आपके पास टॉपिक्स होंगे। अच्छा आज ये पढ़ना है, आज ये टीचर ये पढ़ा रहा है। लाइक ये ना एक्सपेक्ट करेंगे कोई आके आपकी मिन्नतें करेगा कि प्लीज़ पढ़ लो, जैसे लेक्चर्स में होता है। वार्ड्स में इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना पीछे पढ़ के ज़बरदस्ती सीखते हो। स्पेशली DHQ में हमारे साथ यही हुआ था कि हमारे पूरे दो वीक्स में क्लास ही नहीं हुई थी, और फिर उन्होंने मैसेज करना शुरू कर दिया था कि वार्ड एग्जाम्स में जो है ये वाले टॉपिक भी हैं, ये वाले, और किसी को आइडिया ही नहीं था कि वो टॉपिक्स क्या हैं। तो उसके बाद कंप्लेंट की है, और फिर HOD ने वहाँ जो सर्जरी के HOD थे उन्होंने सामने ही जो नोटिस बोर्ड पे इतना बड़ा लिखवा दिया था कि ये दिन ये टीचर ये क्लास लेगा, और जब नहीं लगेगा तो फ़ौरन HOD के पास जाएंगे और वो कंप्लेन करेंगे। और उसके बाद से एक भी क्लास हमारी मिस नहीं हुई। एग्जैक्टली। और अक्सर पता है अगर आप कहो ना कि हाँ चलो अच्छा क्लास नहीं हो रही, जान छुटेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जान नहीं छुटेगी। वो पढ़ना भी डबल पड़ेगा, जान भी नहीं छुटेगी। और पता है ये लोग अक्सर क्या करते हैं कि आप उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चे आए हुए थे, क्योंकि बच्चे बस आके कंप्लेन करके बगैर सोल्यूशन ढूंढे चले भी जाते हैं, और पीछे से DME को चली जाती है कंप्लेंट कि ये बच्चे आज तक आए नहीं हैं और कोई आ ही नहीं रहा हमारे पास पढ़ने के लिए। तो बी कॉन्फिडेंट, गो टू द PA, टेल देम आप आए हुए हैं, आस्क देम फॉर अ स्केड्यूल, पीछे पड़ जाएं, हर एक के पीछे पड़ जाएं। जस्ट गेट योर स्टफ डन। Okay, I think we're done with the 10 tips. You were saying about PS on a final note. कुछ भी इसमें से कुछ भी जो भी टिप्स वगैरह कुछ भी हैं, या कोई भी चीज़ आपको ओवरवेलम बड़े आराम से कर सकती है। ओवरवेलम होना इज इंटायरली पॉइंटलेस, क्योंकि कोई भी एकदम से आप थर्ड ईयर में आए हैं, कुछ भी जो है मैजिकली आपको आ नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली, अनलेस एंड अनटिल जो है आप उस स्किल को या उस चीज़ को एक्टिवली लेके नर्चर करें और उस चीज़ को एक्टिवली प्रैक्टिस करें इंटरेस्ट के साथ। वो कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि पहले दिन आते साथ ही आप परफेक्ट हिस्ट्री ले लेंगे या परफेक्ट एग्जामिनेशन कर लेंगे या परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे देंगे। ये सारा कुछ विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो इन चीज़ों से ओवरवेलम बड़े आराम से हो सकता है बंदा, लेकिन ओवरवेलम होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सारों को पता है कि आप अभी नए नए आए हैं। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आप अभी नए नए आए हैं, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो फिर ओवरवेलम में होने की कोई सेंस नहीं बनती। और सिर्फ थर्ड ईयर नहीं, आई थिंक सारी जिंदगी बेसिकली चीज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब थिंग्स कम स्लोली, खास तौर पे थिंग्स दैट आर वर्थ समथिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो, ठीक है। तो इस तरह नहीं है कि आप एक दिन ही बैठ के जो है वो पूरी दुनिया की चीज़ें समझ लोगे, सीख लोगे, या इस तरह नहीं है कि आपने रोज़ ये परफेक्ट आपकी रूटीन होनी चाहिए। बी फॉरगिविंग टू योरसेल्फ, मतलब थोड़ी सी leave some space for mistakes, leave some space for relaxation. No, I'm gonna put it in a. लेकिन consistency नहीं छोड़नी. I'm gonna put it in a better. Clearly, different people. I'm gonna phrase it better. लेकिन मेरी I would like to remind everyone मेरी fourth position आई थी third year में. Position से अच्छा शायद नहीं आएगी, तो don't ask me, don't call me. Position से अच्छा clinician नहीं बनता. मैं क्या कहने लगा था? To phrase something better, to phrase it in a better way. Learn to be happy but not content. Learn to be content, not content. I'm gonna say learn to be happy but not content with yourself, obviously. Don't ever go into things blindly. मतलब लोग तो मतलब पूरी डॉक्टरी कंप्लीट करके उनसे एकदम से अगर आप पूछोगे कि आप डॉक्टर क्यों बने, तो उनको समझ नहीं आएगी कि इसका जवाब क्या है। तो learn to like be happy but not content. Figure out what you want. और इवन इफ लाइक अगर आपको अम्मी अब्बू ने भी भेजा है डॉक्टरी में, जैसे कि मुझे मेरी मामा ने भेजा है, लर्न टू एम्ब्रेस वेयर यू आर एंड देन लर्न टू पिक आउट थिंग्स दैट यू लाइक देयर। डिनायल के बाद सीधा एक्सेप्टेंस, डिनायल के बाद एक्सेप्टेंस पे जाना है। तो रिमाइंड योरसेल्फ ऑल द टाइम कि आप क्या जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, दैट रियली हेल्प्स टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। मोटिवेशन सबसे बड़ी इसमें यही है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी अचीवमेंट है ना, कोई भी चीज़ आपको अच्छी आ गई है, कोई भी उससे आपको खुश होना आना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। नहीं, कंप्लीट कंटेंटमेंट, I am completely content. Complete contentment always breeds laziness. कभी भी कंप्लीट तसल्ली हो जाएगी ना अगर आपसे कि मैंने अच्छा अब मुझे हिस्ट्री एग्जाम परफेक्ट आ गए हैं, मैं बैठ जाऊंगा, तो ये तसल्ली कंप्लीट कभी भी नहीं होने देनी। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। What I am trying to say is learn to be happy but not content. No, I think what he is trying to say is कि be accepting of your faults but never be okay with them. नहीं, मतलब be always strive towards change but ये ना करें कि जब तक मैं change नहीं होगा या जब तक मैं ये नहीं कर लेता I won't like myself. Keep liking yourself and keep striving towards something. नहीं, मैं achievement के point of view से बता रहा हूँ कि अगर